हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक बार पिजन फार्म में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है पिजन फार्म अलादीन। आज देखते हैं अपने कबूतर क्या है। बारिश तो अभी नहीं आ रही और ये भी बहुत खुश है। चलो देखते हैं। और आपको बताया होगा जो शहर में दिया चैनल है, उस चैनल में भी बहुत सारे पिजन है उनके पास। चलो आज देखते हैं अपने कबूतर कैसे हैं। फटाफट पहले इन लोगों को खोलना पड़ेगा। तो इसको पहले ऐसा करना पड़ेगा, उसके बाद ही इन लोग नीचे उतर सकते हैं दाने खाने। हाँ भाई, प्लेटफॉर्म जैसा। और ये अपने नए कबूतर के बच्चे। और ये अपना बड़ा कबूतर, देख सकते हैं इसमें भी सब बाहर आने के लिए वो कर रहे हैं। और ये मजक कली। चलो आपको पिजन अच्छे लगते हैं या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मुंबई से किधर हो, नज़दीक में अगर मेरे घर से या कहीं से आप नज़दीक में मुझसे पढ़ोगे तो मैं आपको एक जोड़ी पिजन डिलीवर कर दूंगा। जो भी मेरा सब्सक्राइबर सबसे अच्छी कमेंट करेगा मुझे, उसको एक जोड़ी पिजन। आप देख सकते हो मेरे कबूतर, ये भी देख सकते जोड़ा। तो ये लोग को भी फटाफट अपन खोलते हैं। गोनी का लोग। और एक ये भी बच्चा है, देख सकते हैं इसका। और ये जो कबूतर है, ये जोड़ी भी अंडा देने वाली है अभी। और ये मादी भी अंडा देने वाली। और ये मादी भी अंडा देने वाली। आप लोग देख सकते हैं मैंने इतनी सी जगह में कितने सारे कबूतर रखा हूँ। बस इतनी है जितनी वीडियो में दिख रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं।
आप लोग कमेंट करके लाजमी बताना इनमें से कौन सा कबूतर सबसे अच्छा है। देख सकते हैं सारे कबूतर सामने, कुछ बाहर है। लोग देख सकते हैं ये लोग कितना परेशान करते हैं इतनी सी जगह में। ये 10 बार लोग उस पर ही चढ़ेंगे, लोग को मालूम के दा पानी उसके अंदर रहता है। अगर ये लोग के साथ ही लोग को मिलाना पड़ता है। आप देख सकते हैं और एक जगह पर कैसा बैठ गया मेरे आँखें। आज की वीडियो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और जैसे कि शहर में दिया जो चैनल था उस पर भी पहले ऐसे ही इनके बाद छोटा सी फार्म हाउस था, फिर बाद में उन्होंने आपके सपोर्ट से इतना बड़ा जो था वो फार्म हाउस बना। पहले उनकी टेरिस पे सिर्फ मुर्गी थी। आप अगर उनके जूनियर सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा, तो आप भी मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो भाई कबूतर पालता है। और आपके सपोर्ट से मैं आगे और भी जानवर लाऊंगा। थैंक यू सो मच।